शहर के किंग्सवे अस्पताल ने अल्पावधि में ही कई उपलब्धियां हासिल की है और अपनी अलग ऐसी पहचान बनाते हुए एक साल पूरा किया। इस उपलक्ष्य पर किंग्सवे हॉस्पिटल्स द्वारा अनूठे अंदाज में प्रथम वर्षगांठ मना रहा। किंग्सवे हॉस्पिटल्स ने मध्य भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अल्पावधि में ही अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हुए कई उपलब्धियां अर्जित की। 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के साथ भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 से अधिक प्रतिभागी और फॉरेन डेलीगेट सहभागी हुए। यह नॉन मेट्रो सिटी में अपनी तरह का पहला आयोजन था। किंग्सवे अस्पताल ने कम अवधि में अपनी अलग पहचान बनाते हुए अपनी स्थापना का एक साल पूरा किया है और अपनी प्रथम वर्षगांठ भी किंग्सवे हॉस्पिटल द्वारा अनोखे अंदाज में मनाई जा रही है। 4 से 13 दिसंबर तक अस्पताल में विभिन्न सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी जानकारी भी किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर प्रकाश खेतान इन्होंने दी है। किंग्सवे हॉस्पिटल 4 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था और 4 दिसंबर 2020 को हम अपनी पहली वर्षगांठ मना रहे हैं किंग्सवे हॉस्पिटल की। और इस वर्षगांठ के दौरान हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑफर्स पेशेंट्स के लिए लाए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने फ्री ओपीडी, फ्री सर्जरी चार्जेस, फ्री ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी पे अच्छी रियायत और साथ में एंडोस्कोपी में भी रियायत, इस तरह से पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑफर्स लेके आए हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इस अवसर का फ़ायदा ले सकें। हम लोग ये एनिवर्सरी ऑफ़र 4 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक के ये लागू रहेगा। ये अवसर तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि इसका फ़ायदा ज़रूर लें और अपना इलाज जल्दी से जल्दी किंग्सवे हॉस्पिटल में कराएं। किंग्सवे हॉस्पिटल 304 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पे 10 ऑपरेशन थिएटर है और सभी तरह की स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज उपलब्ध हैं। 3 टेस्ला MRI है, 64 स्लाइस CT है और पूरी तरह से इक्विप्ड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और डेडिकेटेड कोविड सेवाएं भी हम लोग इस हॉस्पिटल में प्रदान कर रहे हैं। वी हैव गॉट सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट फॉर कोविड फ्लोर। तो करीब 100 बेड हम लोगों के कोविड में हैं, तो कोविड पेशेंट्स भी यहाँ पर अपना अच्छे से इलाज करा सकते हैं। और किंग्सवे हॉस्पिटल लाया है अपनी पहली वर्षगांठ पर सभी नागपुर वासियों के लिए, विदर्भ वासियों के लिए एक हेल्दी रिटर्न गिफ्ट। साथ ही किंग्सवे अस्पताल भारत का पहला ऐसा अस्पताल है जहां MRCP रॉयल कॉलेज एडिनबर्ग UK का कोर्स शुरू किया गया है। साथ ही किंग्सवे अस्पताल द्वारा मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कोर्स शुरू करने जा रहा है। ऐसी जानकारी डॉक्टर राजू खंडेलवाल द्वारा दी गई है। किंग्सवे हॉस्पिटल ये भारत में एक पहला अस्पताल हुआ है जिनको MRCP रॉयल कॉलेज ऑफ एडिनबर्ग UK का कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्रांट हुआ है और यह प्रोग्राम अगस्त महीने में ही चालू हो चुका है। तो किंग्सवे अस्पताल ने अपने पहले साल में ही एजुकेशनल एक्टिविटी स्टार्टेड विथ कोर्स ऑफ MRCP। आने वाले टाइम के अंदर हम लोग, क्योंकि हमारा अस्पताल 300 बेड के ऊपर है, हम लोगों को MD MS के कोर्सेज, इवन MBBS के कॉलेज भी हमारे लिए एक उपलब्धि में आ सकती है। उसके साथ साथ हमारे DNP और CPS के कोर्सेज ये हमारे साथ लाइंड अप है। मैं ये यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि ये सौभाग्य की बात है हमारे डॉक्टर फैटर्निटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पब्लिक के लिए, एक अस्पताल जहाँ पर एक एजुकेशनल एक्टिविटी इस रूप में इतने बड़े पैमाने पर अगर होती है तो वो अस्पताल के सर्विस लेवल जो होता है वो एक बहुत ऊपर का लेवल होता है। और इस सब के लिए मैं हमारे मैनेजमेंट और नागपुर की जनता और ख़ास करके वो टीचिंग सर्कल के सारे लोग जिन्होंने इसमें हमारे को सहयोग दिया है। रॉयल कॉलेज ऑफ एडिनबरा और ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ इंडियन ओरिजिन फिजिशियन, आई एम स्पेशली थैंकफुल फॉर देम, दे हैव गिवन दिस कोर्स टू किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर।
किंग्सवे हॉस्पिटल की स्थापना को एक साल पूरा हो रहा है और यह साल कोविड के कारण काफी तकलीफ का रहा है। जनता ने अपनी तबीयत ठीक रहने के लिए जरूरी कई इलाज में भी कटौती की है। इसे देखते हुए किंग्सवे हॉस्पिटल अपने प्रथम वर्षगांठ अनूठे अंदाज में मनाने जा रहा है। इस अवसर पर 4 से 13 दिसंबर तक अस्पताल में विभिन्न सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और कुछ सेवाओं के कुछ शुल्क में भारी छूट भी दी जा रही। हालांकि कमरे, जांच, दवाइयों और कैजुम्बलेस का शुल्क रोगियों को वहन करना होगा। बता दें कि यह सभी ऑफर नॉन कोविड रोगियों के लिए भी है। विशाल इमारत में स्थित 304 बेड वाले इस अस्पताल में 80 ICU, NICU, PICU बेड, 200 से अधिक डॉक्टर, 935 का स्टाफ और 42 विभाग कार्यरत है। ऐसी जानकारी किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद गांधी द्वारा दी गई है। किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर का एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी शुरुआत हम 25 डॉक्टर ने साथ में आके किया था और इसमें हमारा ये ड्रीम था कि ये हॉस्पिटल एक डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाए और इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए ये हॉस्पिटल हो। तो हमने ये पूरी कोशिश किया है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ये इवन लोअर, मिडल एंड अपर सभी क्लास के लिए ये सेवाएं उपलब्ध हो। आज बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो नागपुर से ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जाना पड़ता है जिन्हें, क्योंकि कुछ सुविधाएं अपने यहाँ नहीं मिलती थी अभी तक। हमने ये पूरा प्रयत्न किया है कि ये सारी सुविधाएं अब हमारे नागपुर में ही किंग्सवे हॉस्पिटल में उपलब्ध हो, ताकि सभी मरीज के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उल्लेखनीय है कि शहर में जब कोविड-19 की गंभीर स्थिति थी, तब भी किंग्सवे हॉस्पिटल ने नॉन कोविड पेशेंट के साथ कोविड पेशेंट्स के लिए भी उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराई। लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ी उपलब्धि होने के बाद भी यहाँ के डॉक्टर्स द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।